हाँ इसके सब सभी लोग वेलकम बैक टू आवर प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग तो बात करेंगे माइनक्राफ्ट। आप सभी लोग को याद होगा लास्ट वाले एपिसोड में हमने ये विलेज एक्सप्लोर कर लिया था पूरा का पूरा, और हमें एक मॉब स्पॉनर मिला था। फिर मैंने एक घर भी चूज़ कर लिया है, वक्कर वो मॉब स्पॉनर में बाद में देखने गया तो वो टूट गया था क्योंकि वहाँ पर क्रीपर ब्लास्ट हुआ था। आपने वीडियो में देखा होगा कुछ ब्लास्ट हुआ था, तो गाइज वो तो टूट गया था। लेकिन मैं तब आयन और कोल ढूंढने गया था ना, तो वहाँ पे मुझे एक और वो मिल गया। तो क्या वो बोल, मिलता है वो सब भी गायब हो गया क्योंकि वो मैंने सेवन क्विट नहीं किया था। तो मैंने वापस से सारी चीज़ें बनाई और फिर मैं वापस से गया था। तो एक सेकेंड मुझे हाँ, जरा तो सेटिंग्स गाइज करने। मैं क्या बोल रहा था, मैंने सेटिंग्स कर लिया तो वो मेरी चीज़ें सारी गायब हो गई। लेकिन मैंने वापस से मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट की और मैंने कुछ भी क्रिएटिव से नहीं लिया। आपको प्रूफ चाहिए हो तो मैं आपको बता दूँ। देखो आप क्रिएटिव में करूँगा तो ये ऑप्शन आएगा टर्न ऑफ अचीवमेंट्स का, तो उसे मैं अभी तक एक ही बार वो ऑप्शन आता है जब भी कोई क्रिएटिव कर देता है तो ये ऑप्शन आता है, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया। और ये मैंने थोड़ा सा सामान कलेक्ट कर लिया था लास्ट वाले एपिसोड में, और ये मैंने कोल जमा किया है बहुत सारा, और ये थोड़ा वुड और जमा किया, और ये आयन आयन भी मैंने सब जमा कर लिया है, और ये मैंने एक फर्नेस बना लिया उसमें भी थोड़ा आयन है। तो सारा सा सारा कलेक्ट कर लिया है। अब वो मॉब स्पॉनर पे जाना है, उससे पहले हम पहले थोड़े आयरन के टूल्स बना लेते हैं जिससे हम ज़्यादा वो सब तोड़ सकते हैं आयरन। अब पहले तो मैं आयरन का आर्मर बनाना चाहूँगा क्योंकि वो सबसे अच्छा होता है, मुझे आयरन का आर्मर बनाना है सबसे पहले। तो बन जा, ये मैंने आयरन का आर्मर बना लिया। अब थोड़ी स्टिक्स बनाते हैं और आयरन का सामान बना लेते हैं। एक पिकेक्स भी बना ही देते हैं, दो पिकेक्स बना देते हैं, और एक हमें शील्ड चाहिए होगी, और बस इतना ही। अब ठीक है, ये कैसे होता है मुझे कमेंट में जाकर ज़रूर बताना, इसे कैसे पहनते हैं इधर से, मुझे आता नहीं है इधर से पहनना, लेकिन आप लोग सिखा देना कैसे पहनते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो इसको पहनना होगा, ये मैं पूरा आर्मर पहन लेता हूँ, पैंट्स बूट्स और ये। अब मैं सारी की सारी आयरन की चीज़ें यूज़ करने वाला हूँ, आपको दिख ही रहा होगा। ओके, अब मैं उसकी चीज़ें नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि उसको अब मैं नहीं यूज़ करने वाला। बस अब ये जो स्टोन का सामान है इसे अब अंदर रख देते हैं, अभी इसका कोई काम नहीं है। सॉरी गाइस, वो मुझे थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है अब मैं मेरी। शील्ड भी पहन लूँ, लेकिन शील्ड भी पहन लेते हैं, शील्ड भी मैंने पहन ली। अब गाइस लुक देखते हैं कैसी आ रही है। तो गाइस एक लुक देखो यार, क्या मस्त लुक आ रही है यार पहनने के बाद। ओपी यार, फटाफट से अपने निकलते हैं माइनिंग करने के लिए। उससे पहले मैं आपको, मुझे वो स्पॉनर कहाँ है वो तो मुझे पता ही नहीं है सबसे पहले, वही बात कि मुझे पता नहीं है तो मैं क्या करूँ पता नहीं। तो गाइस मैंने सारा का सारा सामान ले लिया है। और हाँ एक चीज़ तो रहेगी, हमें टॉर्च भी तो बनानी होगी, और थोड़े स्टोन ले जाता हूँ मैं, बना लेता हूँ, और थोड़ा सा ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं टॉर्च के साथ। चलो बस इतनी बात है, बाद में बना लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो। चलो तो फटाफट से निकलते हैं। अगर मुझे वो दिख गई कि जहाँ से मैंने लिया था, तो मैं देखता हूँ ढूंढता हूँ वो क्यों। तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, वीडियो क्यों ढूंढने के लिए टाइम तो चाहिए ना, नहीं जल्दी थोड़ी मिल जाएगी। यही है क्या? हाँ यही तो है। नहीं, ये वो नहीं है, ये तो अलग है मेरे हिसाब से, तो ये अलग है। हाँ ये अलग है, ये तो पूरी गुमशुदा की है, ये इसको मुझे कभी भी एक्सप्लोर नहीं करूँगा क्योंकि मुझे रास्ता घुमा सकती है, इसलिए मैं इसको नहीं लूँगा। चलो तो मैं अगले सुबह मिलता हूँ, तब तक मैं केयर रूम लेता हूँ। चलो तो गाइस मैं वो केयर रूम ये तो तोड़ूंगा तो पम्पकिंस है ना, ये पम्पकिंस, हाँ ये तो पम्पकिंस ही है, इसे मैं बाद में तोड़ूंगा। इधर शायद से स्लाइम स्पॉन होते होंगे रात को, इधर बहुत सारा लावा है तो वही होगा। तो अभी तो मैं केयर ढूंढता हूँ फटाफट से। तो गाइस मुझे केयर तो मिली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। इधर थोड़ा सा मुझे कोल मिला है तो फटाफट से मैं इसे तोड़ देता हूँ। गाइस तो मैं वो केयर में पहुंच चुका हूँ, शायद से यही वो जगह है जहाँ पे मुझे मिला था। और गाइस ये देखो, ये रहा वो स्पॉनर, यही था उसमें देखो यार, गोल्डन एम्पल, वो भी एन्चेंटमेंट वाला यार, बहुत ओपी। और ये कुछ पम्पकिन सीड्स मिला है मुझे, और ये वही ये रॉटन फ्लैश, ये स्ट्रिंग्स मिल गई, ये गन पाउडर मिल गया हमें यार, ये तो बहुत ओपी मिल गई हमें लूट। और इसमें देखो यार एक सैडल है, ये थोड़ा सा रॉटन फ्लैश, मैं सारी चीज़ एकदम संभाल के रखने वाला हूँ। ये आ जाए, ये मेलन सीड्स भी मिल गया हमें यार, ये गोल्डन एप्पल तो देखो यार क्या ओपी सी है, ये भी है, देखो आयरन भी मिल गया थोड़ा बहुत, और ये कोई म्यूजिक डिस्क मिल गया, और ये देखो यार आयरन का हॉर्स आ गया ओपी यार, ये तो बहुत गजब की लूट मिल गई, पूरा मस्त हो गया। ये चेस्ट भी तोड़ लेते हैं, इसका क्या काम है इधर। हम कभी इतना कभी तो इधर मैं बनाऊंगा एक मॉप का, वो क्या बोलते हैं, एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, तो देखेंगे वो तो कभी बनाएंगे जब बनाना होगा। तो मैं अभी तो नीचे आ चुका हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। मैं राइट साइड ही जाने वाला हूँ क्योंकि राइट साइड इज़ द बेस्ट साइड।
मुझे बहुत सारा वो डायमंड आज ढूंढने, हमें कुछ भी हो जाए आज हमें डायमंड ढूंढ के ही जाना है। बहुत पानी परेशान कर लेगा बाद में। इधर भी एक डाल देते हैं। और गाइस ये आयरन मिल गया, तो जंप मार लो क्या? एक ब्लॉक नहीं लगाया। अब देखो यार मैं ब्लॉक क्यों इधर लगा रहा हूँ, कुछ भी। अब ये थोड़ा आयरन है, इसको तोड़ते हैं। इधर नीचे गिर गया, फटाफट से इसे तोड़ता हूँ। आयरन की तो बहुत ही ज़रूरत है हमें। चलो ये हो गया इतना। अब इधर कूदते हैं। ये क्या इधर भी एक स्पॉनर है? नहीं, इधर कोई स्पॉनर नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि इधर भी, लेकिन नहीं। अब थोड़ा इस साइड पे चलते हैं। इधर क्या है? इधर कुछ है क्या? ओ भाई साहब, इधर से तो बहुत सारे मॉब्स की आवाज़ आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमारे पास आयन के पिकेक्स है। जलावा की आवाज़ आ रही है, इधर ऊपर क्या? आओ ना, क्या कर रहे हो? बे बे करते जा रहे, स्थान ही है। क्या बात है, कुछ भी कर रही हो तो कुछ ज़्यादा ही मॉब्स की आवाज़ आ रही है। लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। गाइस मैं फटाफट जाता हूँ। तो गाइस मैं थोड़ा सा और आगे आ चुका हूँ। इधर मुझे आयन मिल गया है, बहुत सारा कोल्ड दिखाया, तो उसे कलेक्ट करना है हमें। तो उसको कलेक्ट करने के लिए मुझे इधर लगाना है, इधर लगाना है। बहुत सारे मॉब्स की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मुझे मार दिया बहुत गंदी तरह से। इसको आगे बढ़ाते, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए लगती नहीं। चलो कोई बात नहीं, जैसे कलेक्ट करते हैं। फटाफट से इसे भी कलेक्ट करते हैं। कोल तो मैं बहुत सारा ले जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज के एपिसोड में मैं अगर ये डायमंड्स ढूंढ लेता हूँ तो मुझे उसके बाद बनाना है एक बड़ा सा केसर। उसके लिए मुझे बहुत सारा कोल चाहिए होगा, क्योंकि हम स्टोन ब्रिक्स का बनाने वाला है, तो उसके लिए ब्लॉक्स तो चाहिए ही होंगे बहुत सारे। और गाइस उसको देखकर आप इतने चौंक जाओगे, आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा। तो मैं इधर एक टॉर्च लगा देता हूँ। इधर मुझे कोई तो फासला लग रहा है। हाश, कुछ नहीं था, मुझे लगा कुछ होगा। चलो बहुत कुछ कलेक्ट कर लिया, अब आगे जाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ अब नीचे जाऊँ थोड़ा। ठीक है, ये मैंने जंप लगाई और मैं नीचे आ गया। अब ये रो आयन बहुत सारा, और हम बहुत नीचे आ चुके हैं। और आज तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके जानी है। ओहो, और आयन, ओ लेपिस लजूली मिल गया। गाइस क्या किस्मत है, मैं कभी भी केव में नहीं माइनिंग करता हूँ, पर आज मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आज शौक है, चढ़ा है बहुत। चलो भाई थोड़ा सा लेपिस भी मिल गया। लगता है ये केव हमारे लिए बहुत लक्की साबित होने वाली है। हम अभी तो बहुत नीचे आ चुके हैं। और भाई साहब क्या ओपी सी लुक आ गई है। कोई बहुत अच्छा, सारा का सारा मैं कलेक्ट करूंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं। यार मैं जो ढूंढने आया हूँ वो भी मिल जाएगा, कितना भाव खा रहा है। पहले तो मैं पानी बंद कैसे करूँ यार, होगा नहीं ऐसे। तो फटाफट से कोल कलेक्ट। तो गाइस मैं इस साइड पे आ चुका हूँ और इतना सारा आयन मिल गया हमें, और भी तो इसे भी कलेक्ट करते फटाफट से। और इधर कोल है, और आयन है, कोल है, ये जो कोल कैसे आया, बहुत ही गजब जगह है। तो इधर मैं जाऊँ या ना, वहाँ पर कोल दिख रहा है मुझे, बहुत सारा जो चाहिए, लेकिन थोड़ा रिस्की है, तो भी मैं जाऊँगा तो सही कोल को लेने। लेकिन मैं इतने से बोल रही हूँ, मैं इतना सारा सामान नहीं छोड़ता, इसलिए मैं नहीं जा रहा। देख रहे थे नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो वापस ऊपर चलते हैं, ये थोड़ी भूल भैया गुफा है। चलो इधर भी देखते हैं, इधर कुछ है। इधर मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ। ओके अब कौन सी जगह रहेगी? ऊपर गोल्ड मैंने देखा ही नहीं है। कोई इसमें गोल्ड मिल चुका है आखिरकार। अरे तो मैं टूटना, गोल्ड आने दे, गोल्ड आ जाए तो मेरे पास। अच्छा गोल्ड तो वही, तो बहुत चला हुआ है, इसे पहले बंद करते हैं। चलो बंद लिया, कहाँ नहीं लावा, तब एक टॉर्च लगाई देते। वो इधर थोड़ा रेड स्टोन है, इसे भी कलेक्ट करते हैं। आज तो सब कलेक्ट करके जाना है, कुछ भी हो जाए। डायमंड भी ढूंढेंगे, सब ढूंढेंगे, पर कुछ भी रहना नहीं चाहिए। चलो ये हो गया इतना काम, अब आगे जाते हैं। और आगे जाने से पहले मुझे थोड़ा और चेकिंग करनी होगी कि कुछ है इधर और। अच्छा इधर एक गुफा जा गई है एक और, लेकिन बाद में जाएंगे, पहले इस साइड चेक करते हैं थोड़ा। ओके इधर लावा है बहुत। इस ब्लॉक्स पे जाता हूँ और इस लावा को बंद कर रहा हूँ, तो ये और ज़्यादा ही फॉर्म में आ रहा है। तो फटाफट से गाइस, तो मैंने थोड़ा सा और रेडस्टोन भी कलेक्ट कर रहा हूँ अभी मैं। यार मुझे लावा, अरे मतलब डायमंड कब मिलेंगे? मैं डायमंड के लिए यहाँ आया हूँ, मतलब बाकी सब भी तो अच्छा खासा मिल ही रहा है, लेकिन डायमंड अभी ज़्यादा मेन है। कोल भी बहुत सारा है इधर, तो इधर एक टॉर्च लगाते हैं। पहले थोड़ी सी टॉर्चेस बना लेते हैं। चलो को पहले टॉर्चेस बना लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। चलो हो गया,
अब मैं फटाफट से इसे भी तोड़ लेता हूँ, ये भी अपना बहुत काम का है। अब इधर थोड़ा चेक कर लूँ क्या, बाद में वो कोल भी तोड़ डालेंगे। इधर भी थोड़ा चेक करते हैं, इधर बहुत सारा आयरन है भाई। भाई आज तो मैं पूरी गुफा ही छान मारूंगा। डायमंड लेकिन लेके जाएंगे हम। चलो गाइस इतना हो चुका है, अब बाद में मैं आपको थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। और गाइस मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा, इधर थोड़ा गोल्ड, लैपिस लाजुली और बहुत कुछ है। तो ये लैपिस लाजुली मैंने तोड़ा, ये गोल्ड भी अब ले लेते हैं। यार डायमंड भी होना चाहिए था इधर, ऐसा नहीं करने का, ऐसा ही कुछ होना था तो पहले ही बता देते हैं। इधर एक टॉर्च लगा, भाई टॉर्च लगाने की बजाय क्या लग जाए, फटाफट से इसे तोड़ते। गाइस तो अब मैं थोड़ी सी अलग सी जगह पे आ चुका हूँ, और इधर भी बहुत सारा लावा है, तो एक रास्ता बनाना होगा वहाँ सामने जाने के लिए, और ये आयन को कलेक्ट करने के लिए। चलो एक रास्ता बन चुका है, अब कोई टेंशन की बात नहीं। चलो भैया ये भी आयन कलेक्ट, वहाँ पर भी थोड़ा आयन दिख रहा है, उसमें बाद में कलेक्ट करता हूँ। तो पहले कोल्ड कलेक्ट करते हैं, फिर कुछ और। रुक जाओ, सबसे पहले मुझे इस लावा को ढकना होगा। ओके हो गया काम, अब पहले मैं ये इसे कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रुक जाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, चलिए मैं थोड़ा सा बच के रहता हूँ, मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सब ठीक है, आज तो बहुत सारा गोल लेके जाएंगे, कहीं मुझे लगा लावा गया। कोई बात नहीं, अब इसे कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर रेड स्टोन है उसे भी कलेक्ट कर लेते हैं। इधर एक टॉर्च लगा देते हैं, हमें अभी तो ऊपर नहीं जाना, फिर जाएंगे। तो मुझे वो गोल्ड भी कलेक्ट करना है, तो उसे कलेक्ट करने के लिए तो मैं इधर से ही जा सकता हूँ। ओके, उसके लिए इसे इधर से कलेक्ट कर लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो गाइज मैं अब एक अलग सी जगह पे आ चुका हूँ, और वो मुझे डायमंड से दिख रहा है। यार इतनी देर से मैं इन्हें ढूंढ रहा था, और मुझे आखिरकार वो मिल चुके हैं। इधर मैं आयन तोड़ रहा था, मैं अभी जब रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट की तो मुझे वो दिखा। यार वो सच में डायमंड जी है ना? हाँ ये तो डायमंड जी है यार। ओपी यार क्या बात है। अब पहले तो मैं लावा को बंद करता हूँ, सबसे पहले वही चीज़ करनी है हमें। ये लावा को बंद कर दिया मैंने, पहले इसे ख़त्म हो जाने देते, फिर मैं कुछ करूँगा कलेक्ट, वरना मैं इसे थोड़ी करने वाला हूँ। और ये मैंने दूसरी पिकैक्स निकाल लिया, क्योंकि वो पिकैक्स अब ख़त्म हो गई। कुछ ज़्यादा ही सामान हमने कलेक्ट कर लिया, उसके पीछे भी है डायमंड्स, डायमंड्स ही डायमंड्स है यार। नहीं जल्दी नहीं मिले, मैं 1.5 घंटे से बैठा हूँ, डायमंड्स कब मिलेंगे कब मिलेंगे, और ये अब जाके मिले मुझे। गाइस यार अब मेरा बैकपैक भी पूरा का पूरा फुल हो चुका है, तो अब मैं क्या फेंकूँ? ये वीट किसी भी काम की नहीं है, यही फेंक देते हैं। ओ गाइस ये देखो यार कितने सारे डायमंड्स। अब मैं इसे तोड़ता हूँ, और ये अब कलेक्ट होने वाला है, तो पहले तो सबसे पहले मुझे कुछ फेंकना होगा यार। चलो ये दो, नहीं नहीं कोल बहुत काम का, ये एक ही वुड है, चलो इसे ही फेंक देते हैं। चलो इसे मैंने फेंक दिया, अब मैं डायमंड कलेक्ट करता हूँ। भाई साहब एक ऊपर भी है, और अच्छा तो गाइस हमारे पास टोटल 5 डायमंड हो गए। 5 डायमंड गाइस कोई कम बात नहीं है। अब मैं तो सोच रहा हूँ इधर से निकलते हैं, या बाद में मैं इधर आके वापस से थोड़ा माइनिंग कर लूँगा। हाँ क्योंकि और भी मुझे माइनिंग करनी है, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत न्यू नेक्स्ट वीडियो में मुझे अब बनाना होगा एक कैसल। तो कैसल बनाने के लिए तो बहुत सारे स्टोन्स चाहिए। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, अगर मुझे और डायमंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, उसे मैं नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि वो मैं जब फॉर्च्यून 3 वाले पिकेक्स बना लूँगा तब मैं उसे तोड़ूँगा, दूसरा अगर डायमंड्स मिलते हैं तो। हाँ अगर मिलेंगे तो ना, अगर मिलेंगे ही नहीं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो गाइस चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं करता हूँ ओनली 50 लाइक्स के लिए, तो लाइक कर आगे कंप्लीट कर दो। चैनल पर नहीं है तो चैनल को